ये वाले भी चंडीगढ़ जाएंगे। तो बोलने नहीं दे रहा मेरे को, रुक जा चुप रह। देख वीडियो ऑन भी हो गया, 6 सेकंड भी हो गए। हाय गाइस, सो आज हम जा रहे हैं जयपुर। सो अभी हम पहुंच चुके हैं ऊना रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमारी ट्रेन है चंडीगढ़ तक। अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन अभी आई नहीं है। सो जो हमारा चंडीगढ़ तक का किराया है वो है 65 रुपीज पर पर्सन। आगे का किराया हम आपको आगे बताएंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय। ऐसा है गाइस, सुनो देखो, मेरे को ट्रेन का नाम याद नहीं आ रहा इसलिए आप खुद गूगल कर ले। 19411 ट्रेन है साबरमती। हाय गाइस, आई एम बैक और हम जा रहे हैं, जो हमारी ट्रेन का नाम है वो है साबरमती ढोलकपुर एक्सप्रेस। ढोलकपुर छोटा भीम वाला। गाइस हम ढोलकपुर की ट्रेन में जाएंगे, हम दौलतपुर नहीं जाएंगे, हम ढोलकपुर जाएंगे, साबरमती दौलतपुर। हाँ ठीक है, अब याद हो गया मेरे को। गाइस अब मुझे नाम याद हो चुका है ट्रेन का, हम जा रहे हैं साबरमती दौलतपुर ट्रेन में। गाइस चौक रह गया, हम चौक को इंक्लूड कर ले कि क्या नाम, ट्रेन के पास आके फोटो खिंचा रही है, पता चला ट्रेन इसको साथ ही ले गई है। चुरप। सो गाइस अब हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आने वाली है जिसका नाम है साबरमती दौलतपुर ट्रेन एक्सप्रेस। चंडीगढ़ से गाइस हमने ट्रेन ली है अजमेर गरीब रथ, ये एक वीकली ट्रेन है और इसका किराया है 730 रुपीज पर पर्सन। गाइस तो ये हो चुके हैं हम तैयार और अब हम जाने वाले पिंक सिटी को एक्सप्लोर करने। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारा यहाँ पे दिन का स्टे था तो हमने एक धर्मशाला बुक कर ली थी जिसका हम आपको 1100 रुपीज देना पड़ा था। टॉयलेट और बाथरूम मिलेंगे। हाय गाइस, ये मुस्कान हम सबकी तरफ से हाय कर रही है आपको। मुंडी तोयला। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हवा महल, ये इसकी एंट्रेंस जिस गेट को बोलते हैं चंद्रपोली गेट। ये है हवा महल की हिस्ट्री, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। टिकट ले ली है, हम चार लोग आए हैं साथ में। सो जो पर पर्सन हमारी टिकट होती है वो 52 रुपीज की होती है, जो फॉरनर्स की टिकट है वो थोड़ी सी महंगी है। ये है हवा महल का क्यूट सा मिनिएचर व्यू और इसके बाद हम देखने वाले राजा जी को वो कैसे दिखते थे, उनका एक स्टैचू टाइप बना हुआ है। हमने अपने जो धर्मशाला है वहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमारा 100 रुपीज़ लगा था और यहाँ पे एक कैफ़े है विंड व्यू कैफ़े नाम से, वहाँ पे हम जाने वाले हैं सामने फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो गाइज ये पहुंच चुके हम कैफ़े जहाँ पे अगर आपको फ़ोटो खिंचानी है तो कम से कम आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन कुछ या तो खाना पड़ेगा या फिर वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए भी आपको पैसे लगेंगे। बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे आउटसाइड्स में तो जहाँ से अभी आपको अच्छा व्यू लगता है वहाँ से आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। हम तो इससे आगे फिर हमने एक ऑटो किया जिसका हम आपको 150 चार्ज पड़ा और इसी के साथ अब हम पहुँच चुके हैं आमेर फोर्ट और ये आपके आमेर फोर्ट का ब्यूटीफुल सा व्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं आ चुके हैं हम आमेर फोर्ट और यहाँ पर पर्सन 400 रुपीज लगेंगे। हम चार ही लोग हैं अभी फिलहाल, सब हम ऐसे जाएंगे।
अगर आप गवर्नमेंट गाइड लो तो चारों के लिए 200 रुपये में करा दें आप सीनियर गाइड। गवर्नमेंट गाइड होएगा वो आपके साथ जाएगा। सो ये जो हमारे पीछे से कमेंट्री कर रहे हैं ये हमारे दोस्त मीना जी हैं, ये राजस्थान से ही है, तो ये हमें बता रहे हैं यहाँ के मतलब फेमस स्पॉट्स। गाइज यहाँ पे मैंने एक पुरानी मूवी रंग दे बसंती की शूटिंग का व्यू देखा था, ये फिल्म मुझे बहुत पसंद था इसलिए हम यहाँ पे स्पेशली घूमने आए हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन इतनी दूर सबसे बड़ा वो जयगढ़ के ऊपर है और वो चाकसू के आगे जाके गोला गिरा था 40 किलोमीटर आगे, तो जमीन से पानी आ गया, तालाब बना हुआ है उसके नाम पे आज भी। और उसके राजाओं के फोटो है, राजाओं के हथियार है, इंदिरा गांधी 7 ग्राम सोना वहाँ से निकाल के लेके गया, इमरजेंसी लगा था वो टाइम पे। चौक कर चल पड़े। अब हम लोग देखते हैं आमेर फोर्ट। अब जो जगह हम देखने वाले वो काफी पुरानी है और ये हमारे रानी जी का मायका। पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट, आगे का व्यू आपको दिखाएंगे। हम आए हैं जीप से जिसमें हमारा किराया लगा है 1500। सो आगे का आपको रास्ता दिखाते हैं। अब गाइज ये है हमारा शीश महल। उसी से ही नाम देके जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट महिंद्रा की जीप में। पहुंच चुके हैं अब हम फोर्ट के अंदर। जो हमारी फोर्ट की प्राइस है वो है 75 रुपीज स्टूडेंट्स के लिए। अब हम पहुंच गए नारंग फोर्ट। इसकी जो हमारी कॉस्ट लगी है वो 22 रुपीज़ लगी है स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद हम गए थे जल महल, रात में वहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई थी। और उसके बाद हम बापू बाज़ार गए थे जो कि बहुत महंगा था। उसके बाद 8 बजे हमारी उदयपुर की ट्रेन थी।